In this lecture, we'll continue with the third type of 3D translation, that is shearing, right? So what is shearing? Shearing is nothing but change of shape of existing object in 3D plane. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका शेप भी चेंज करते हैं इन 3D प्लेन, राइट? एज लाइक 2D शेयरिंग. सो 2D में भी हम लोग शेयरिंग करते थे, तो सेम वे से यहाँ पे हम लोग 3D में भी शेयरिंग करेंगे. सो 2D में जब शेयरिंग करते थे तो क्या करते थे हम लोग, द ऑब्जेक्ट साइज कैन बी चेंज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन. तो यहाँ पे 3D में क्या होगा, ऑब्जेक्ट साइज कैन बी चेंज इन तीनों डायरेक्शन, दैट इज एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे जब एक्स डायरेक्शन में चेंज होता है तो क्या होता है, यहाँ पे गिवन है. सो ऐसे ही इक्वेशन हम लोग निकालते हैं फॉर इन 3D प्लेन, ठीक है? सो द ऑब्जेक्ट साइज कैन बी चेंज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है? तो शेयरिंग पैरामीटर यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के लिए SHX रहता है, वाई के लिए SHY एंड जेड के लिए SSZ. सपोज एक्स डायरेक्शन में हम लोग जब इसको शेयर करते मीन टिल्ड हो जाता है वो, राइट? शेप चेंज हो जाता है उसका. सो एक्स डायरेक्शन में चेंज करते हैं तो ऐसे होगा, तो एक्स पॉइंट ये चेंज नहीं होगा. वाई पॉइंट कैसे होगा चेंज, वाई प्लस SHY मल्टीप्लाइड बाय एक्स ज़ीरो. जेड कैसे चेंज होगा, जेड ज़ीरो प्लस SHY एक्स ज़ीरो, राइट? तो ऐसे चेंज होगा, मीन्स जेड में जो प्रीवियस पॉइंट है प्लस स्केलिंग पैरामीटर, जो भी इसका स्केलिंग होगा जितना भी वाई डायरेक्शन में, वो आएगा एंड उसका मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स के साथ, बिकॉज एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें. सेम जेड के इसमें कितना टिल्ड होता है, जेड के वैल्यू में उसका शेयरिंग पैरामीटर आएगा यहाँ पे, और एक्स ज़ीरो आएगा. सेम फॉर वाई, एक्स वाई प्लेन मीन्स जेड डायरेक्शन में अगर चेंज करते तो ऐसे होगा वो उस ऑब्जेक्ट की साइज. तो जेड पैरामीटर बिकम सेम. एक्स डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी चेंजेस किस में हो गए, एक्स एंड वाई में चेंजेस हो गए, राइट? तो एक्स एंड वाई में चेंजेस कैसे हो गए, एक्स प्लस यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो एक्स एक्सिस में चेंजेस होने के बाद उसकी मैट्रिक्स कैसे हो जाएगी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज इक्वल्स टू 1 SHY SSZ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 XYZ. अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यही हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगा, राइट? सो अगर वाई एक्सिस में करते हैं तो क्या होगा, ये वाई डायरेक्शन में करते हैं तो ऐसे होगा, वाई रिमेंस सेम, एक्स एंड जेड की वैल्यू चेंज होगी, तो वो कैसे होगी, एक्स प्लस HX स्केलिंग फैक्टर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई एंड जेड प्लस स्केलिंग फैक्टर ऑफ जेड मल्टीप्लाइड बाय वाई, राइट? तो यहाँ पे ऐसे इक्वेशन होगा वो, दैट इज 1 SHX 0 0 0 1 0 0 SHZ 0 0, ठीक है? तो ऐसे होगा ये. देन जेड एक्सिस में कैसे होगा, जेड बिकम सेम, एक्स एंड वाई चेंज होगा, तो एक्स प्लस स्केलिंग फैक्टर ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जेड, क्योंकि जेड के अलॉन्ग कर रहे हैं हम लोग इसीलिए, एंड वाई प्लस स्केलिंग फैक्टर ऑफ वाई एंड जेड. तो ये उसकी मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन होगा, क्लियर? तो अभी इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं. सो एग्जांपल इज दैट अ 3D ट्रायंगल विथ पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स आर गिवन. नाउ अप्लाई शेयर पैरामीटर 2 ऑन एक्स एक्सिस, 2 ऑन वाई एक्सिस एंड 3 ऑन जेड एक्सिस एंड फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो सपोज ये रफ फिगर हमने दिखाई है, 3D नहीं है ये, 3D शेप में नहीं बताया है, एक सिंपल हमने ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज एक्स का शेयरिंग पैरामीटर गिवन है 2, वाई का 2 है, जेड का 3 है, राइट? नाउ अभी अगर मुझे जेड एक्सिस में निकालना है तो क्या होगा, ए के वैल्यू क्या है, 0 0 0, राइट?
हमें क्या निकालनी है, ए डैश निकालना है, दैट इज़ एक्स वन वाई वन जेड वन निकालनी है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, अभी जेड एक्सिस में इसके इक्वेशन क्या है, एक्स डैश इज इक्वल्स टू, मीन्स एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच एस एक्स एंड जेड, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ज़ीरो, सो ज़ीरो प्लस शेयरिंग फैक्टर ऑफ एक्स क्या है, टू, सो टू मल्टीप्लाइड बाय जेड, जेड की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, तो इसीलिए ये पूरा क्या आ गया, ज़ीरो। सेम वाई वन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y, दैट इज़ ज़ीरो प्लस एस एच वाई, एस एच वाई की वैल्यू क्या है, टू मल्टीप्लाइड बाय जेड, दैट इज़ ज़ीरो, तो ये क्या हो गया, ज़ीरो, एंड जेड वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसीलिए a डैश क्या आ गया हमारा अलॉन्ग जेड एक्सिस, दैट इज़ ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। नाउ सेम b डैश क्या निकलेगा, वन वन टू वैल्यू है उसकी, तो वह क्या है, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स मीन्स वन प्लस एस एच एक्स, शेयरिंग फैक्टर ऑफ एक्स क्या है, टू मल्टीप्लाइड बाय जेड, सो जेड की वैल्यू क्या है, टू, सो टू मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस वन, दैट इज़ फाइव। सेम वाई वन इज इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू क्या है, वन प्लस शेयरिंग फैक्टर ऑफ वाई, दैट इज़ टू है, मल्टीप्लाइड बाय जेड, दैट इज़ टू इज इक्वल्स टू फाइव, तो ये क्या हो गया हमारा b डैश क्या आ गया, x1 y1 z1 दैट इज़ फाइव फाइव वन। सेम हम लोग यहाँ पे c निकालेंगे, वन वन थ्री, अभी यहाँ पे क्या है, x1 इज इक्वल्स टू वन प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय z, दैट इज़ थ्री, ये टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री तो सेम रहेगा, x एंड y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये थर्ड पैरामीटर मिल जाएगा। सो न्यू कोऑर्डिनेट वैल्यूज आफ्टर शेयरिंग ऑन z एक्सिस क्या हो जाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो ए डैश दिस, बी डैश दिस एंड सी डैश दिस। सेम अलॉन्ग अगर एक्स एक्सिस करते हैं तो सेम हमें एक्स एक्सिस का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, ये वाला, एक्स डैश इज इक्वल्स टू सेम वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एस एच वाई एक्स एंड जेड इज इक्वल्स टू जेड प्लस एस एच जेड एक्स, राइट। सो सेम यहाँ पे यूज़ किया है, बी के लिए देखते हैं, ए के लिए तो ज़ीरो ही आएंगे, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स वन, वाई वन इज इक्वल्स टू वाई वाई दैट इज़ वन प्लस एस एच वाई दैट इज़ टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स दैट इज़ वन, सो ये हो गया थ्री। नाउ जेड वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड दैट इज़ टू प्लस एस एच जेड की वैल्यू क्या है, थ्री, सो थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स दैट इज़ वन इज इक्वल्स टू फाइव हो जाएगी। सो लाइक दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट वैल्यूज आफ्टर शेयरिंग ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड दिस वी हैव कैलकुलेटेड अलॉन्ग वाई जेड एक्सिस। तो ये यूजिंग मैट्रिक्स फॉर्मेट भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है अलॉन्ग मैट्रिक्स फॉर्मेट, और यूजिंग दिस इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थर्ड जो है वो यूजिंग मैट्रिक्स भी निकाला है और यूजिंग इक्वेशन भी निकाला है, तो सेम निकले हैं, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द शेयरिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट फोर्थ कंसेप्ट इज रोटेशन, राइट। सो रोटेशन मीन्स व्हाट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं हम लोग उस फिगर को। सो वी रोटेट द ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर एंगल थीटा फ्रॉम इट्स ओरिजिन, रिपोजिशनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ एन एंगल अलोंग अ सर्क्यूलर पाथ इन 3D प्लेन। सो रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, रोटेशन इन 2D प्लेन, राइट। सो ये हमने देखा था रोटेशन इन 2D प्लेन। सो रोटेशन में हम लोग क्या करते हैं, थीटा एंगल से रोटेट करते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट एक्स वाई, इसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉक वाइज से विथ थीटा एंगल, राइट। और इसके हमने इक्वेशन भी फॉर्म किए थे, और लास्ट हमें जो भी मैट्रिक्स मिली थी, दैट इज़ ये मैट्रिक्स मिली थी, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई, मीन्स रिप्रेजेंट रोटेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय पी दैट इज ओरिजिनल पॉइंट। सो दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स।
क्लियर। तो यही हम लोग यूज़ करेंगे इन 3D प्लेन ऑल्सो, ठीक है। सो 3D प्लेन में एक्स वाई जेड आ गया। सो जेड, अगर जेड एक्सिस के थ्रू करते हैं तो जेड पैरामीटर बिकम सेम। नाउ एक्स एंड वाई कैसे चेंज हो गए, सेम एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा एंड वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। सेम वी हैव रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्मेट, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज इक्वल्स टू, अभी तीन पैरामीटर है तो तीन आएंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ऑल अदर लाइक दिस एक्स वाई जेड। सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो एक्स पैरामीटर सेम रहेगा, वाई पैरामीटर एंड जेड पैरामीटर चेंज होगा। सो वाई पैरामीटर क्या होगा, वाई कॉस थीटा माइनस साइन जेड साइन थीटा एंड वाई साइन थीटा प्लस जेड कॉस थीटा। अब इसके वैल्यूज़ देखो, यहाँ पे चेंज हो गए, ये जो पूरा है वो यहाँ पे चेंज हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, राइट, क्योंकि अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें सेम इक्वेशन मिलना चाहिए, क्लियर। नाउ सेम अलॉन्ग जेड एक्सिस हम लोग रिप्रेजेंट करते, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई एक्सिस में ये क्या हो जाएगा, वाई डैश सेम रहेगा, जेड एंड एक्स चेंज होगा। सो जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा एंड एक्स डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा जेड साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, क्लियर। सो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, यही इक्वेशन मिलना चाहिए इसीलिए, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशन इन 3D प्लेन, ठीक है। उसके बाद आता है 3D रिफ्लेक्शन, मीन्स रिफ्लेक्ट करेंगे हम लोग पॉइंट, अगर एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट है उसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कौन सी एक्स वाई छोड़ के जो भी थर्ड पॉइंट रिमेनिंग है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, दैट इज़ निगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, क्लियर। सेम अगर वाई जेड प्लेन लेते हैं और उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो साइन किसकी चेंज हो जाएगी, वाई जेड है तो बचा कौन सा है, एक्स, तो एक्स की साइन चेंज हो जाएगी। सेम जेड एक्स लेते हैं तो कौन सा बचा, वाई, सो वाई की साइन चेंज हो जाएगी, क्लियर। दिस इज़ व्हाट 3D रिफ्लेक्शन।